कोरोना महामारी कारण लगे लॉकडाउन ने हर वर्ग नू दुखी करके रखिया होया। कईयां दियां नौकरियां चली गईयां ते कईयां दे रुजगार रुक गए हैं। उपरों महंगाई दी मार ओह वखरा मसला है। आम बंदे लई हुण रोजी रोटी दा हिला करना भी काफ़ी ज़्यादा औखा हो चुके है। यह किस्सा सामने आया है खन्ना शहर तो, जिथे लखा रुपए की इनोवा कार का मालक सड़क से केले वेचण नू मजबूर हो चुके है। दस देने कि चिराग दीन गड्डी नू टैक्सी दे तौर ते चलाउंदा सी ते हुण कोविड संबंधी गाइडलाइंस कारण उसकी कमाई खत्म हो चुकी है। कार मालक चिराग दीन दा यह कहना है कि फाइनेंस कंपनी गड्डी दियां किश्तां च कुछ रिहायता नहीं दे रही, जिस कारण उसनु अपने घर दे गुजारे लई अते गड्डी दियां किश्तां बहुत मुश्किल तो इसे तरह केले वेच के काटनी पै रही हैं, जिस कारण उसने अपनी रोजी रोटी का हिला करन लई यह रस्ता अख्तियार किया। सर मजबूरी यही एक तो घर का खर्चा चलाना जी, बिल्कुल ठीक है, हर थाल से चलाना ही चलाना, बच्चों को रोटी पानी देना, ठीक है नहीं। दूसरी मजबूरी ये जी गड्डी की किश्त ही 12,000-13,000 महीने की है, वो भी हर हालत मैं भरनी ही भरनी है जी, ठीक है। उन्होंने असं प्राइवेट फाइनेंस तो गड्डी किसी भी जरिए नहीं उन्होंने रोक नहीं सकते, ठीक है जी। जो रोकते हैं तो गड्डी चक्कर ले जाने धमकी देंगे नहीं। और की दिक्कत का सामना करना पे जो किमें दिमाग चाहिए भी केले बेच ही काम चलाया जाए? सर नॉर्मली एक आता भी चलो जो कोई कम नहीं होता यही कहें भी चलो कि केले ही बेच ला, ठीक है नहीं। मैं सोचा चलो केले बेच लें फिर हूँ गड्डी तो मेरे को इनोवा ही, इस करके मैं मालक है खुद गड्डी चक्की जी मंडी गए केले भर लेंगे। सर हूँ दिहाड़ी बन जाती है? दिहाड़ी सर बन जाती है, कहीं नहीं बनती उपर जी खड़ते हैं 12 बजे तो बाद, 12 बजे तक कि माल बेच सकता जी, 12 बजे तो बाद खड़ते हैं पंजाब पुलिस आ के डंडा फेरती है जी, कई बार माल बेच पै रहा कई बार बिक जाता जी। की मांग कर दें सरकार? सर मंग तो यही है जी कि सानू कुछ तो सोचा जाए, सरकार साढ़े बारे कुछ सोचे, रिलैक्सेशन दी जाए सरकार, जिस तरह भी उन्होंने सही लगता सरकार जो भी तरीका लगता तो इसे एक बार जरूर गौर करे। कोई टैक्स भी टुटे जो किस्त किस्त टुट रही नहीं? बिल्कुल किस्त भरे नहीं हो रही, किस्त तो निकलनी जो कम चलूगा जी, टैक्सी जाओगी जी शिमला जाओ मनाली जाती है कितने होर जाती है जी उदो ही कम चलना जी, ठीक है नहीं। ये 50 रुपए 60 रुपए सत्तर केला बेच के जी किस्त तो 15,000 ही निकल नहीं सकती। सब का ही हाल यही है जी, पर यह भी वो मजबूर ने नहीं कर सकते ये काम, हरेक नूं अपने एक ईगो होंदा सैटिस्फाई नहीं कर सकता। मेरे को एको गड्डी है जी, यही जरिए मेरी कमाई का। सर वो ही तो नुकसान आना जी, जे 5 सवारियां भी अलाउड ने तो गड्डी जा सकती है जी, चलो घट दे चली जाऊगी, कुछ ना कुछ तो चलाती है जी, कितने ना कितने जाती है ब्याह भर के जा रही है ये। सर यही तो सर हैरानी की गल है जी, जी पंजाब सरकार बसां चलदियां ने जां प्राइवेट बसां चलदे ने उहदे घट्टो घट 50 बंदे ने जां 60 बंदे ने, जिहड़ी यूपी दे चलदियां ने जी इत्थों लैके जांदे ने यूपी जाके जांदे ने 1.5 लाख रुपए दे विच बस जांदी है जी, उहदे विच 150 बंदा हुंदा जां 120 बंदे हुंदे ने 130 बंदे हुंदे ने, इदां दी कंडीशन 'च जांदियां ने। उहनां ते कोई कारवाई नहीं तुहाडे? कारवाई सर कदों हुंदी है? कारवाई हुंदी तां साडे दी हुंदी है बस। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। खन्ना तो ब्यूरो रिपोर्ट वर्ल्ड पंजाबी टीवी।